में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब खबरें विस्तार से। शहर में गणेश भक्तों ने अपने प्यारे बापा को निरोप दिया। भक्तों ने पारंपरिक ढोल नगाड़े के साथ बापा के विसर्जन के जुलूस में भाग लिया। गुलाल और क्रैकर्स का उपयोग न करते हुए बापा का विसर्जन किया गया। नाबालिग लड़की का दुरुपयोग करने के लिए जिला सत्र अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में तीसरे आरोपी की सुनवाई बाल अदालत में चल रही है। भारतीय स्काई ड्राइवर पद्मश्री शीतल महाजन ने 13,000 फुट से स्काई ड्राइविंग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाइयां दी है। ग्रीष्मकालीन शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 सितंबर को स्काई ड्राइविंग की गई। सोमवार को मुंबई में हजारों श्रद्धालु ने गणपति और गौराई का त्योहार बड़े उत्सव से मनाया। गणपति बाप्पा मोरिया आतिशबाजी के नारे लगाए। दोपहर में ढोल ताशे और नगाड़े के साथ इलाके में बाप्पा के जुलूस निकाले। 5 दिन के गौरी गणपति के विसर्जन समारोह के कारण मुंबई भक्त भावुक हो गए। मध्य प्रदेश के गंधवानी विधानसभा के ग्राम जीराबाद के कछावादा में 35 साल पुराने इच्छा पूर्ण हनुमान मंदिर अपेक्षा के शिकार। मंदिर निर्माण में नहीं मिली शासकीय मदद। मध्य प्रदेश के गंधवानी विधानसभा के ग्राम जीराबाद के कछावादा में 35 वर्ष पुराने इच्छा पूर्ण हनुमान आज उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि कई दिनों से ग्रामीण के अनेकों प्रयास के बावजूद मंदिर निर्माण हेतु किसी भी प्रकार की शासकीय मदद नहीं मिल पाई। दूसरी ओर ग्रामीण की श्रद्धा का केंद्र भगवान हनुमान का ये मंदिर है, जिसके कारण ग्रामीण अपने स्तर से इस मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी ने मंदिर निर्माण में लगने वाली राशि लगभग 10 लाख बताई। MNS न्यूज के लिए मयंक साधु की रिपोर्ट। तो खबरों में आज के लिए बस इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS हिंदी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें, और हमारे चैनल्स के अपडेट देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल MNS न्यूज लाइव को आज सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।